ये भी डलेगा, कटेगा नहीं, ठीक है? कहेंगे इनके हर समय ब्लॉगिंग चलती है। क्यों, चलेगी नहीं? हेलो गाइस, आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर से शादी में जा रहे हैं। बस जब शादियों का सीजन चलता है तो हमारा भी ये सीजन चल जाता है। दावत खाते रहते हैं हम दोनों लोग, जो ये ब्लेम करते हैं कि मैं नहीं खाता हूँ, ये भी बराबर से खाते हैं और मैं भी बराबर ले जाती हूँ खिलाने के लिए। चलो खाओ, चल के दावतें। कई दावतें तो मैंने इस बार इनकी कटवाई है कि रहने तो नहीं जाते हैं। आज हम जा रहे हैं कम से कम 150 किलोमीटर दूर। हाँ, इतनी दूर की हम दावत खाने जा रहे हैं। आज जा रहे हैं हम लोग मेरी मौसी के घर पे, वहाँ शादी है। आप भी ये कह रहे थे ब्लॉग शुरू कर लो, मेरा मन नहीं हो रहा था ब्लॉग शुरू करने, क्योंकि आज इन्होंने बहुत लेट कर दिया। लेट मतलब जाने के लिए नहीं, म्योल मुदल की छुट्टी हो चुकी है स्कूल की 11 बजे, और अब बज रहे हैं 11:10 और अभी हम ऑन रोड हैं। अभी पहुंचने में भी हमें लगेगा 10-15 मिनट से ज़्यादा, क्योंकि और 11 बजे छुट्टी हो जाती है, 10 मिनट ओवर हो चुका है, मतलब 11:30 पे। आज मैडम भी कॉल ना कर दें, कॉल कर सकती है मैडम, पता है कि इतना लेट हो गया, अभी तक क्यों नहीं आए हो? और आगे जाम बहुत मिलता है इस टाइम पे। मैं सबसे पहले रेडी होकर कार में आके बैठ गई। बहुत से लोग पता है कहते हैं कि बीबियां देर करती हैं, लेकिन आज ये वैसे ये ज्यादा देर करते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी हर चीज भूलते हैं ना। कभी हेडफोन भूलेंगे, कभी चाबी भूलेंगे, कभी कुछ भूलेंगे, ये इनका काम है। फटाफट अब ले लेते हैं बच्चों को स्कूल से, फिर मिलाते हैं मेल मंजिल से। हाँ, फिर मिलाते हैं मेल मंजिल से। गाइस सच होता है, हम बहुत लेट हो गए। क्या हुआ, कहाँ थे तुम तब से? क्लास में बैठे हुए थे। क्लास में बैठे थे? मैम मिली? अच्छा, तुम सोचा नहीं आएंगे आज लेने? ठीक। और देखो क्या मिहोल सो गए, और पीहू पीछे है, मृदुल और आरती पीछे झांक रही। पूरी कार हमारी फुल हो चुकी है, तो शादी में हम सब लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आएगा। हम लोग 1.5 से 2 घंटे चलने के बाद एक जगह रुकेंगे, बहुत अच्छी जगह है ये, और यहाँ के बहुत फेमस समोसे हैं, और यहाँ के हम समोसे खाएंगे। और गाइस यहाँ के समोसे बहुत ही क्वांटिटी में बनते हैं, और हर समय कोई ना कोई लेता ही रहता है। ये हाईवे पे है और बहुत फेमस समोसे हैं। मेहुल की फेवरेट है थम्स अप। मेहुल उठ गया। ये देखो हमारा समोसा, हमने इसे फोड़ लिया, क्यों? बहुत गर्म है। और ये कोल्ड ड्रिंक, और ये जो समोसे हैं वो लेखराज के हैं, तिलहर में लेखराज के समोसे बहुत फेमस हैं, तो यहाँ पर रुक के खा रहे हैं। आप तो खाते रहते हो ना? मैं यहाँ आता रहता हूँ, और यहाँ के भी हैं, और एक चौराहा है जवाहर चौराहा, वहाँ के समोसे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे भी हैं टेस्ट वाइज। पहले इनके बहुत अच्छे थे, अब थोड़ी क्वालिटी इन्होंने डल कर दी है। तो अमित से पूछ लो कहाँ की क्या चीज़ फेमस है, तो इन्हें हर चीज़ मालूम है, क्योंकि ये बहुत ट्रेवल करते हैं, और ये ट्रेवल ब्लॉग भी शुरू करने वाले थे इसीलिए, लेकिन इन्हें फूड के बारे में बहुत कुछ मालूम है, कहाँ क्या फेमस है। मेहुल देखो माजा की बोतल में थम्सअप डाल के पी रहे हैं, और इन्हें कभी भी थम्सअप या कोई भी कोल्ड ड्रिंक है वो ग्लास में पीने अच्छी लगती है, बोतल में चाहिए इनको अलग से। चलें स्टार्ट कर। पहुंच चुके हैं गांव जहां हमें जाना था। यह गांव की शादी है, अब देखना हम ब्लॉग में आपको दिखाते रहेंगे। बहुत अच्छी शादी होती है गांव में, शहर की पापा भी चला रहे हैं, ठीक है? और तू तो कार ही क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? शाम का 6:30 हो रहा है, और शाम हो चुकी है ऑलमोस्ट, और नीचे सारी तैयारी चल रही है, जो भी रीति रिवाज होते हैं वो हो रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ से बारात जाएगी दूसरे गांव, यानी कि यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर दूर जाना होगा, तो हम सब लोग कार से जाएंगे, वो भी कार है उनकी।
कोई बस से जाएगा, कोई कैसे जाएगा, फिर वहाँ हम लोग पहुँचेंगे तो वहाँ हम एंजॉय करेंगे। आरती लोग नहीं जाएंगे लेकिन हम जाएंगे, बच्चे वगैरह सब यहीं रुकेंगे, मैं जाऊँगा, अमित जाएंगे, मामा जी आएंगे मेरे पीछे, तो हम सब लोग जाएंगे। तो मैं ऊपर आया हूँ, बड़ा अच्छा ठंडा सा मौसम है इधर, मैं देख रहा हूँ काफ़ी चीज़ें जो जो गाँव में होती हैं, जो गाँव की पहचान है, वो सारी चीज़ें देख रहा हूँ मैं। ये देखो अमरूद का पेड़, इस पर अमरूद आने वाले हैं, इसके फूल आ गए हैं, और ये गोबर के थुपे हुए कंडे वो यहाँ पर हैं। और शादी में वो वाली कार जाएगी वो, और ये सज चुकी है पूरी कार, सजी धजी खड़ी हुई है ये। देखो मैं हार लेकर आ गई हूँ, मिठाई लेकर आ गई हूँ, अब जो दूल्हा है उसको मैं पहले मिठाई खिलाऊंगी और ये हार पहनाऊंगी। सारे इतनी लोग हैं ना, सब बहनें, सब लोगों के हार निकल के आ गए। अच्छा, अभी थोड़ी देर में देखना कितने सारे हार पहन लेंगे। नोटों का हार, नोटों का हार, हाँ नोटों का हार। ये दूल्हे का सहरा है, साफा होता है जो ऐसे करके का साफा पड़ने वाला है जो अभी पहनेगा। अच्छा, जो यहाँ पे क्रॉस करके डाला जाएगा। हाँ। जैसे तुमने ही क्रॉस करके डाल रखा है। हाँ, ये मेरा पल्लू है। सही करो। ओ लोटा का हार। मेरी पावर बैंक क्या लगी है? चार्जर। अब हम निकल पाए हैं शादी के लिए, मतलब यहाँ जहाँ बारात जा रही है, तो अब हम जा रहे हैं सब लोग, और हमने अपनी जो गाड़ी थी वहीं पार्क कर दी, अब हम स्कॉर्पियो से जा रहे हैं, ये रही, क्योंकि थोड़ा 40 से 50 किलोमीटर जाना था। हमने कहा इतनी गाड़ियाँ क्यों जाएंगी, कोई खाली जा रही थी, तो हमने कहा चलो इसमें हो लेते हैं, वो वहीं पार्क कर देते हैं। तो हमने वहाँ पार्क कर चाहिए था। इस समय 9 PM हो रहा है, आप सोचो 9 PM को हम वहाँ पहुँचेंगे, तो वहाँ से आएंगे कितने बजे, तो बहुत लेट हो गया। कम से कम हमें वहाँ पर 7 या 8 बजे पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन क्या करें, जैसे दूल्हे मियाँ निकलेंगे तभी हम निकल पाएंगे। हाँ थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा बहुत लेट हो गया। तो गाइस हम जा रहे हैं आरती और बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि वो उसी गांव में हैं जहां हम शादी में गए, और यहां मैं मामा के आ गया था, और कल मैं शादी के बाद बहुत ही थक गया था, और कुछ इतने मतलब मिलने वाले मिल गए थे तो मैं ब्लॉग नहीं कर पाया, तो मैंने कहा उसको ख़त्म करते हैं, और फिर मैं कार में ही आके लौटते हुए सो गया था, और फिर सुबह उठा। कल गाँव की शादी बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा, और बस बच्चों को नहीं ले जा सकते थे वहाँ पर, क्योंकि थोड़ा दूर था, 40 से 50 किलोमीटर हमें दूर जाना था वहाँ गए। हम आरती और बच्चों को लेने के लिए उसी गांव जाते हैं जहाँ से बारात गई थी, तो कल से वो वहीं हैं, पूरे दिन वहीं रहे, और उन्होंने सोचा कि जब विदा होकर दुल्हन आएगी तो हम बच्चे उसको दुल्हन को देख सकेंगे, मिल सकेंगे उससे, लेकिन अभी तक यहाँ तक कि यहाँ शाम का 6 बजने जा रहा है, अभी तक दुल्हन नहीं आई। पूरा दिन वेट करा, और अभी पता चला, फ़ोन किया कि दुल्हन वहाँ से ही नहीं चली है, तो और कितना टाइम लगेगा पता नहीं। तो आरती ने कहा कि तुम आओ, हमें लेकर जाओ, कल हम जब बरेली के लिए जाएंगे तब हम होते हुए निकल जाएंगे और दुल्हन से भी मिल लेंगे। तो उनका प्लान चेंज हुआ, तो हम उन्हीं को लेने के लिए जा रहे हैं।
ये जो आपको दिखाई दे रही है ये शारदा नहर है, बहुत अच्छी नदी है, बहुत ठंडा ठंडा पानी है इसका और बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ का जो पानी है आसपास के खेतों में सिंचाई के लिए भी यूज़ में लिया जाता है। तो लास्ट ईयर मैंने ब्लॉग किया था, शायद आपको दिखाया भी होगा, मैंने लास्ट ईयर हमने एक शॉर्ट वीडियो शूट किया था माई लव करके, वो हमने उधर किया था, अभी भी याद है पीछे उधर साइड में, आपको शायद दिख नहीं रहा पीछे लाइट बहुत आ रही है, ये नदी है ना इसके जस्ट उस पार हमने शूट किया था माई लव सॉन्ग। तो गाइस कार चलाते हुए सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसकी सीट बेल्ट कुछ ख़राब है, लॉक है और लॉक हो गई तब से खुलती नहीं है, देखो ऐसी है, सीट बेल्ट मैं नहीं लगा सकता, पर ड्राइवर की सीट अच्छी है वो बेस्ट सीट बेल्ट लगा सकते हैं। किसी का ट्रैक्टर ख़राब हो गया, अमित भाई उसकी हेल्प के लिए गए तो हो गया, हमें रुकना पड़ा इसी ट्रैक्टर की वजह से, लेकिन अभी ठीक है। तुम क्या कर रहे थे, क्यों क्या कर रहे थे? आप कहाँ थे? मैं कहाँ था, मैं तुम्हें ही तो लेने आया हूँ, चलो आप कौन सी कार ले गया? बड़ी वाली लेके आए, बड़ी वाली, बड़ी वाली ओ ये तो गिर गया, ठीक है चलो। ये भी डलेगा, कटेगा नहीं, ठीक है, इनको हर समय ब्लॉगिंग चलती है। क्यों चलेगी नहीं? बैठो, किन्ने? हाँ मेरे हिस्से का ही खाया, सुबह से खाई पड़ी हो क्या? खपाके में खाई पड़ी होगी, कितनी बार खा चुकी? तीन बार, तीन बार, तीन बार, दो दो लोगों का खाना है। हम खाने तो आई और करने के आई। हाँ चलो, बेहोल मिदुल पापा से मिलने के बाद हैप्पी हैप्पी हो गए, क्यों अब चलना है घर, मौज करेंगे, मजे करेंगे, मतलब बरेली नहीं जा रहे हैं, मामा के यहाँ जा रहे हैं वापस, अभी वहीं थे, मैं तो वहीं था, ये लोग इधर थे। मेहुल कह रहे हैं मन कर रहा है यहीं पे नहा ले, चलो नहा जाके, नहाना है नदी में, कितनी अच्छी नदी, बहुत ठंडा पानी है इसका, वो भैंसे नहा रही है, पीने का भी मन कर रहा है, पी ले भाई, खुल जा सिम सिम, खुल गया, अरे 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 इन्हें मतलब की चीज दिख गई, दर से दिख गया। उदित यादव उल्लिया दन्नो, तुम्हारा नाम लिखा है, बहुत बढ़िया भैया जी, चुड़िया तुम्हारी चुड़ी की रहती दो पैसे क्या करने है, यही है उदित यादव। अब बहुत ज्यादा थक गए हैं, कल पूरी रात नहीं सोई हूँ, अब हम लोग सोएंगे पूरी रात, सो तुम क्या करती रही? अरे वहाँ गान डांस हो रहा था, नाच गाने हो रहे, तुम वहाँ में कहाँ सो लेती? अच्छा नींद ही नहीं आई तो आज सो लेना, आप सो आज, मुझे नींद भर गई आँखों में, अब चाय पियेंगे, पहले चाय बन नहीं है, इनके आँखों में अंगार भरस रहा है। तो गाइस आज के लिए मैं रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है, कल हम बरेली निकलेंगे, फिर आगे की चीज हम शुरू करते हैं तो वो ब्लॉग में देखना, ठीक है, चलो बाय बाय, ओ बाय बाय। Bye!